कम इन। नियति, तुम घर नहीं गई अभी तक? कोई और प्लान है क्या? ऑल ओके? आनंद, वो एक्चुअली... एक मिनट, आनंद? नो डॉक्टर, नो सर, एंड दैट टू हॉस्पिटल के अंदर। नियति मिश्रा ने अपना रूल तोड़ा है आनंद, क्योंकि इस वक्त मैं अपने दोस्त से बात करना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ, मुझे अभिमन्यु की फिक्र हो रही है। कितनी बार एक ही बात करेंगे हम? डॉक्टर शर्मा और मैं हमें 1000 बार एक ही बात समझा चुके हैं, यही बेस्ट ऑप्शन था। क्या हुआ, नहीं लगता तुम्हें? हेयर, सी दिस। उसके ब्रेन में ग्रे मैटर थिनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसीलिए अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नाउ यू टेल मी, हम उसे कब तक इंजेक्शन दे देकर कंट्रोल करेंगे? उसके ब्रेन को ठीक करने की कोशिश में अगर उसकी किडनीज या उसका लिवर खराब हो गया तो? शॉक ट्रीटमेंट के अलावा जो भी ऑप्शंस थे उनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, शॉक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट वी हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। और नियति, मुझे आज तक तुम्हें समझाने की इतनी जरूरत पड़ी नहीं है, या फिर तुम कुछ समझना चाहती ही नहीं हो। न जाने इस अभिमन्यु से तुम्हारी ऐसी क्या दोस्ती हो गई है। आनंद, अभिमन्यु और मेरे रिश्ते को दोस्ती कह सकते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। तुम उस अभिमन्यु का दिमाग ठीक करना चाहते हो जिसने शायद अपने दिमाग में तुमको अपना दुश्मन बना लिया है। बिना स्माइल के लगता ही नहीं ये अभिमन्यु है। उसे लगता है कि तुमने जानबूझ के उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया है उसे बदला लेने के लिए। तुम्हें लगता है वो तुमसे आगे का इलाज करवाएगा? आनंद, तुम अभिमन्यु की बीमारी को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, लेकिन तुम अभिमन्यु को नहीं समझे हो। उसने एक अनजान राह चलती औरत के लिए 6 लाख का बिल भर दिया। वो भले ही बीमार है लेकिन प्यार बांटता फिरता है, क्योंकि वो अपनापन चाहता है। लेकिन वो बहुत जिद्दी भी है। आनंद, अभिमन्यु का इलाज वही कर सकता है जिससे अभिमन्यु अपना इलाज करवाना चाहता है। सो प्लीज, उसे एक रेगुलर पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। आई एम श्योर अभिमन्यु हॉस्पिटल की 4 दीवारी में बंद कर अपना इलाज नहीं करवाएगा। ये एक नर्स का जजमेंट है, और शायद तुम्हें अभिमन्यु का केस एक केयरिंग नर्स की तरह संभालना पड़ेगा, उसका दोस्त बनकर, उसका भरोसा जीतकर, एक डॉक्टर की तरह नहीं। अरे वाह, आज तो समय से पे हाय। अरे लता दीदी, आप? मुझे लगा नियति के पापा हैं। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आइए ना। आज भी तुम भाई साहब को वैसे ही डांटती हो। अब लता दीदी, आप तो आनंद के साथ संडे को आने वाली थी ना? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए कैलेंडर देख के आना होगा। अरे नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गए, ये घर आप ही का तो है, आइए ना। ये आप लोगों के लिए। थैंक यू दीदी। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके लिए मैं संडे तक नहीं रुक सकती।
वैसे राम भाई साहब आज भी लेट आएंगे, अब तो मैं भी उन्हें डांटूंगी। डांट लीजिए भाभी जी, देवर हाजिर है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? आप अब तो बिल्कुल वैसे ही हैं भाभी, वही 10 से 5 की नौकरी है जो 5 बजे कभी नहीं छूटती है, और वही बीवी है जो लेट आने पे डांटती है, नाराज होती है, बोलने से चूकती नहीं है। बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी। आप बैठिए ना, आइए बैठिए। आप भी बैठिए। बताइए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक नहीं हूँ। अरे क्या बात है भाभी जी? आनंद से पूछिए, डॉक्टर्स के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, और फिर अब उसका प्रमोशन हो गया है, एडमिन हेड बन गया है। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है कि लास्ट हमने कब साथ में डिनर किया था। मुझे तो छोड़िए, उसके पास खुद के लिए 2 मिनट सुकून के नहीं है। अरे तरक्की का यही तो समय है भाभी जी। हाँ भाई साहब है तो, पर ये तरक्की के रास्ते में ना इंसान एकदम अकेला हो जाता है। मेरी टेंशन यही है, और मैं यहाँ अपनी ये टेंशन दूर करने आई हूँ आप लोगों के पास। अरे हाँ हाँ बताइए ना, आनंद अपना ही बच्चा है, बताइए हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? आनंद की बेस्ट फ्रेंड को उसका लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। देखिए दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, और आनंद को नियति बहुत पसंद है, और सच कहूं तो मुझे भी नियति बहुत पसंद है। मेरा बस चलता तो मैं बचपन में ही इन दोनों की शादी कर देती, पर अब वो 24 साल की हो गई है, तो आई थिंक ये सही समय है बात करने के लिए। इकलौती बेटी है, सॉरी भाभी जी माफ कीजिए, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा फिर से। हाँ अर्जेंट है भाभी, एक्चुअली ना वो मेरे बॉस ने मुझसे एक अर्जेंट फाइल मांगी थी और वो मुझे देनी पड़ेगी, मैं भूल गया, देखिए वेरी सॉरी। एक काम करते हैं ना, आप बैठिए आराम से, सुलोचना तुम बढ़िया सा खाना बनाओ, मैं लौट के आता हूँ, फिर हम सब लोग बैठ के आराम से डिनर करेंगे, ठीक है? बस मैं जल्दी से आता हूँ। आई होप कि मेरी कोई बात भाई साहब को बुरी ना लगी हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका ऐसा ही है, काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा सा काम को लेके तनाव चल रहा है, तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुलोचना आप, तुम्हें क्या लगता है आनंद और नियति के रिश्ते के बारे में? आई मीन जैसा मैं फील कर रही हूं। आनंद तो मुझे बहुत पसंद है दीदी, मुझे तो लगता है कि आनंद मेरी नियति की नियति है। अगर वो ब्याह के आपके घर जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। थैंक यू। अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा। आज तक नियति की शादी का हर सवाल हर रिश्ता टालता आया हूँ, पर आज लता भाभी का ऐसे अचानक आ जाना, वो तो अपनी है, इन्हें क्या कारण दूँ? थैंक यू भगवान जी, आप बेस्ट हो।
20 साल हो गए भगवान, मैं उन्हें ढूंढते हुए परेशान हो गया हूँ। अब शायद इससे ज्यादा इंतजार ये समाज मुझे करने नहीं देगा। अब आप ही का आसरा है, मुझे उनसे मिलवा दीजिए भगवान। चलो भैया, चलो जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। भैया थोड़ा जल्दी चलो, उस गाड़ी में मेरे हर सवाल का जवाब है। हे दुर्गा भैया, मेरे बेटे पर कृपा करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मम्मी मसाले पनीर सब्जियां सब ले आई। कोई किसी से मिलने के लिए कितनी दूर से आया है और कोई है कि ऐसे इग्नोर कर रहा है। I'm so sorry, मैंने आपको देखा नहीं, वरना मेरी इतनी मजाक कि मैं आपको इग्नोर करूं। अरे मजाक कर रही थी मैं। How are you, बेटा? आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम? बिल्कुल ठीक? बिल्कुल झूठ। अरे अभी अभी बाल बाल बची उस पागल मरीज से। मम्मी प्लीज, आप तो पीछे ही पड़ जाती हो। अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, वो बीमार है और ठीक हो सकता है। किसके बारे में बात हो रही है? मतलब अभिमन्यु को? एक्चुअली वो मैं बताता हूँ मॉम। आनंद? अरे आनंद बेटा, आओ ना, आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। एक बार बताओ, इस बार तो तुम दोनों साथ में आए हो ना? नहीं, मैंने आपके साथ साथ नियति को भी सरप्राइज देने का सोचा। बहुत अच्छा किया, मैं ना कुछ अच्छा सा बनाती हूँ खाने के लिए आज। मैं आपकी हेल्प करती। अरे रे रे, अभी तो आप कह रही थी कि आपको आनंद के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं मिलता। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ। माँ बेटा बैठ के बहुत सारी बातें कीजिए, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मम्मी मैं फ्रेश होकर किचन में आपकी हेल्प करने आती हूँ। हाँ बेटा, आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। आनंद, ये नियति किस पेशेंट के बारे में बात कर रही थी बेटा? मॉम छोड़ो ना वो सब, मैं उसके बारे में बात कर करके थक चुका हूँ। आप मुझे ये बताओ, आपने मेरे और नियति के बारे में बात की अंकल आंटी से? की है। होपफुली नियति से भी आज बात हो जाएगी, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। मॉम, जवाब हाँ ही होना चाहिए, मुझे नियति बहुत पसंद है, आप ये बात जानती हो ना? भैया मुन्ना तो ठीक है? दीदी वो मनु को थोड़ी कपकपी हो रही थी, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आप भी आ जाओ। मैं अभी पहुंचती हूँ भैया। सुनिए, आगे से यूटर्न ले लीजिए, हॉस्पिटल चलना है। अ
अभिमन्यु, अभिमन्यु डॉक्टर। हे दुर्गा मैया, इस बच्चे का कष्ट दूर करो मां। यस सर, डॉक्टर शर्मा आपसे बात करना चाहते हैं। सर। मॉम एक्सक्यूज मी। हेलो बोलो। आनंद, आई एक्सपेक्टेड वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ शॉक थेरेपी। अभिमन्यु की बॉडी शिवर कर रही है, हमें पहले उसका हार्ट रेट एंड बीपी स्टेबल करना होगा, एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट विद द फर्दर डिसाइडेड कोर्स। एक्जेक्टली, मुझे लगता है कुछ देर में ठीक हो जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नर्स तुम्हें कॉल करके बता देगी। श्योर डॉक्टर शर्मा। क्या हुआ? कुछ नहीं। श्योर नियति, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे किसी पेशेंट का इशू है ही नहीं। अरे नियति बेटा, चाय तो दो। चाय? आंटी चाय? चाय। थैंक यू बेटा। चाय। थैंक यू आंटी। नियति आपको अपना दिया हुआ प्रॉमिस पक्का तोड़ने वाली है, देखिए ना, ये अभी भी उस अभिमन्यु के बारे में सोच रही है, राइट नियति? मैंने जनरली पूछा था आनंद, चुगलखोरी मत करो। देखो सच तो बर्दाश्त ही नहीं है किसी को। कुछ भी, कौन सा सच? यही कि तुम प्रोफेशनल चीजों को पर्सनली ले लेती हो नियति। तुम उससे अपना ध्यान हटा दो, बल्कि उसी से नहीं, तुम अपने सारे पेशेंट से अपना ध्यान हटा दो घर में आने के बाद। मुझे ही देखो, मैं कैसे हॉस्पिटल के बाहर आके तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। ऐसे ही तुम भी जब हॉस्पिटल के बाहर आ जाती हो ना, तो तुम नियति द नर्स से नियति मिश्रा बन जाया करो। अपने बारे में सोचा करो और मेरे बारे में। रोको रोको भैया रोको, ये तो नियति का हॉस्पिटल है। सर जी पैसा। मनोरमा जी नेति के हॉस्पिटल में क्या कर रही है? एमना, तू ठीक हो जाएगा बेटा। क्या क्या कहा आपने? ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ हुआ नहीं था, मैं बस ड्रामा कर रहा था। वहां ताकि आप मेरे पास रहो, मेरा ख्याल रखो, मुझे ढेर सारा प्यार दो। मेरा फॉर्मूला काम आ गया। बीमारी में भी बदमाशी है। मनोरमा, I hate tears. तू ठीक हो जा, फिर बिल्कुल tears नहीं, ओके? Promise, promise. अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा। दिनकर, आपने तो कहा था कि शॉक ट्रीटमेंट के बाद अभिमन्यु ठीक हो जाएगा, इसकी ये हालत ठीक लग रही है आपको? देखिए मनोरमा जी,
हर इंसान की बॉडी और दिमाग अलग अलग ट्रीटमेंट पे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर कुछ केसेस में लाइक अभिमन्यु कुछ साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा। मम्मी, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था, जैसे उसने रिएक्ट किया, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। मुझे मैंने मना किया था ना, उस पागल के पीछे मर जा। देख उसने नियति, इतनी चोट।